हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रेड सी गेमिंग। और आज का टॉपिक है हाउ टू मेक बीट फार्म इन माइनक्राफ्ट प्रॉफिट एडिशन। और ये वैसे में कोई भी एडिशन में चल जाएगा, बेड रॉक हो क्या, जावा हो क्या, कोई भी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज, और चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज, कमेंट करना और स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले एक नहीं तो दो स्टैक तक के डॉट लगेंगे, और दो स्टैक, दो स्लैब्स और एक लीवर लगेगा, और दो हॉपर और कोई भी पांच छह स्टैक्स, कोई भी ब्लॉक लगेगा और हो जरूर लगेगा, और साथ में आपको लगेगा एक कंप्लीट और डिस्पेंसर आठ लगेंगे, और वॉल लगेगा, और दो चेयर, और कोई वीट के सीट, और एक स्टैक रेस्टोर, और एक एक बटन, और साथ आपको नौ बकेट लगेंगे, वाटर बकेट। आप इंट्रीडी सोर्स बना के कर सकते हैं फ्लैश कार्ड। तो सबसे पहले हम सारा सामान ले लेते हैं। मैंने इसको पहली चीज को गिन के रखा, ये 20 ब्लॉक्स है पूरे, ये 23 ब्लॉक्स है, ये इधर 20 ब्लॉक इधर आएगा, 23 इधर, सेंटर में हमेशा 20 ब्लॉक रख देंगे। अब हम 5 ब्लॉक ऊपर जाएंगे, अब हम इसको कवर कर देंगे, 6 ब्लॉक एक एक्स्ट्रा रखेंगे, इसको पूरा भर लिया है। और अब हम लगाएंगे डॉट, तो हम छह ब्लॉक डॉट लगाने के पीछे जाके हम काम कर लेते हैं। अभी से छह ब्लॉक पूरे इसमें डॉट भर देने के, अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर पीछे पहले स्टार्टिंग में बैकग्राउंड में कुछ आवाज आएंगे तो उसको इग्नोर कर देना। अब हम इसको स्टोन से कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये ब्लॉक लगाएंगे क्योंकि यहाँ आएगा वाटर, क्योंकि फार्मिंग करने के वास्ते वाटर की जरूरत पड़ती है। अब हम इसको ढक देंगे यहाँ पर। अरे, यहाँ एक एक वाटर बकेट डाल देते पहले, यहाँ डाल दिए, वाटर जाके यहाँ रुक जाएगा, नहीं रुका मतलब हमारा डॉट थोड़ी कम लग चुकी है। अब सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर इसको ब्लॉक से कवर कर देते वाटर के ऊपर, क्योंकि हमारे इसके बीच में भीट जाने को नहीं होना। अगर वाटर जाएगा तो यहाँ विंपरिटी सोर्स भी बन सकते हैं, इस वजह से हमको इसको कवर करना जरूरी है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पर हमारे पूरे ऑटो के ऑटो डिस्पेंसर लगाएंगे। ये लग चुके हैं हमारे डिस्पेंसर, अब हम इसमें वाटर बकेट रख ही देते हैं। वाटर बकेट रखना जरूरी है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, अब हमको यहाँ पर डॉट लगाने की है, ये पूरा ऊपर के जैसे पूरा सेम प्रोसेस है, लेकिन बस हम आपको ये प्रोसेस बता देते, फिर हम थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे।
फिर ये बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो कटिंग भी करेंगे। अब हम इसको भर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा कोल्ड स्टोन। अब यहाँ से हम पीछे जाएंगे, यहाँ तक जाएगा वाटर। अब हम यहाँ पर इसको खोल के देखेंगे ये सही से वर्क कर रहा है भी कि नहीं। यहाँ आ जाएगा एक स्टोन, यहाँ नहीं, जरा नीचे साइड में। यहाँ से वाटर रुक जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, एकदम परफेक्ट वर्किंग है। अब हम सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, अब हम इसको सही करने कर लेते हैं। अब हम इसको पूरा भर देते हैं। ये जो हमने ऊपर पर जो सेम प्रोसेस कर रहे थे वही, अब यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस करने की है। एक बार हम डबल से गिन लेते हैं 6 ब्लॉक्स ही सही क्या, नहीं 6 नहीं है, इस बार ये हमको थोड़ा सा और आगे लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये अब हो गया पूरा परफेक्ट। अब इसको आखिरी स्टेप तक मिलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आधा काम कर चुका हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम आखिरी का काम कर लेते हैं, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते। तो फ्रेंड्स है एंडरमैन आ गए, इस बार इससे बहुत अजीबो गरीब अभी आवाज़ें हो रही है, इसको मारना होगा पहले, नहीं तो आवाज़ें कम देगी। चलो कि एंडरमैन ने हमारी डस्ट चुरा ली है। फ्रेंड एंडरमैन को छोड़ो, अभी हम हमारा काम कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड, फिर इसको देख लेते हैं। हाँ ये गलती हो गई है फ्रेंड्स, एक गलती, इसको हम सुधार लेते हैं। सही फ्रेंड्स, हमको अभी हाउस से बहुत सारे ज़ॉम्बीज की आवाज़ आ रही है, तो ज़ॉम्बी को तभी हम मारने नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है वो कहाँ है। और इतनी बड़ी ये बहुत स्टोरेज आ रही है, जो इसके नीचे आप स्टोरेज रूम भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, इतना बड़ा है। आपको एक जगह से यहाँ से खोल के बताते हैं, इतना बड़ा कि आप बहुत बड़ी स्टोरेज रूम भी बना सकते हो। क्रीपर और ज़ॉम्बी स्पॉन हुए हैं, आपने भी देखे हैं फ्रेंड। तो अब हम इसको पूरे इसके पूरे कर लेते हैं कंप्लीट।
हो गया है पूरा कंप्लीट। अब हम रेस्टोन लगा के चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है भी के नहीं। हम रेस्टोन ले लेते हैं। तो हमने सारे डिस्पेंसर के ऊपर रेस्टोन लगा चुके हैं। अब हम सिर्फ एक बटन लगा के चेक कर लेते हैं। बटन लगा लिए, अब इसको दबा के चेक करते हैं अभी कितना वाटर जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये एकदम सही तरीके से वर्क कर रहा है, आपको भी दिखाऊंगा। हम डॉट का एक थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ नीचे पानी नहीं आने को ना, इस वजह से। फ्रेंड्स अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम सब करने का क्या है, ये अब आसान मेथड है। हम तो पहले इसको भर बंद कर लेते हैं। यहाँ पर अब ब्लॉक्स लगा के यहाँ वाटर को अब वाटर बकरी यहाँ आ जाएंगी। हम वैसे में ज़्यादा नीचे चले गए, यही आ जाता था। हम यहाँ पर वाटर पाइप डाल के चेक करते कहाँ तक के आ जाएगा। तो निकल कोबड़ी यहाँ से मर गई। अब यहाँ पर भी वेस्ट करके अब हम चेक कर लेते हैं कितना वाटर कहाँ तक के आएगा। तो यहाँ आ जाएंगे दो हॉपर्स। यहाँ एक हॉपर आएगा, यहाँ ब्लॉक लगा लेते हैं अभी के लिए। ऊपर जाके हॉपर ये कनेक्ट हो गया। यहाँ जाएंगे एक चेस्ट। यहाँ जाएंगे सेकंड चेस्ट। आप चाहते इनको कमेंट भी कर सकते दोनों चेसेस को। यहाँ स्लैब्स आ जाएंगे, ये ज्यादा के ऊपर नहीं, ये बराबर है। यहाँ स्लैब्स आ जाएंगे फ्रेंड्स। आप चाहते स्टेयर्स भी लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब रेस्टोन की बारी है। तो फ्रेंड्स यहाँ आ जाएंगे लीवर। हम यहाँ लीवर ले लेते हैं, स्लैब को साइड में रख लेते हैं। यहाँ लीवर को एक्टिवेट कर देते हैं, रेस्टोन को यहाँ से लेके जाएंगे और रिपीटर भी ले लेंगे। अभी वाटर पंपेट की जगह रिपीटर ले लिए हैं। अब जहाँ से रेस्टोन बंद हो जाएगा वहाँ से अपन रिपीटर लगा देंगे। पहले स्टोन ब्लॉक्स लगा देते हैं हम। यहाँ आ गया अब हमारा। अब यहाँ से हम रेस्टोन लेके जाते हैं नीचे तक के। यहाँ से पता करेंगे रिपीटर का आएगा। यहाँ गलत जगह रेस्टोन लग चुकी है, डबल से गलत जगह। फ्रेंड्स यहाँ एक रिपीटर आएगा सर, यहाँ एक रिपीटर आएगा। अब इसके ऊपर जाके चेक करने लगेगा। एक यहाँ आएगा रिपीटर। यहाँ आएगा फिर ये सब चालू नहीं होंगे। यहाँ पर भी एक रिपीटर आएगा। और एक यहाँ पर भी आएगा फिर।
फ्रेंड्स है ये उल्टे सीधे चालू हो गए, इस वजह से इसको पहले सही करना पड़ेगा। अभी ब्लॉक्स इसलिए लगा रखी थी रेस्टोन का डब्बा से ऐसा वाटर फेंके ना, इस वजह से डबल से वाटर ले लेगा। रिपीट आ जाएगा, अभी वापस नॉर्मल हो गया है। इसके अंदर वाटर बकेट रखना लेगा फ्रेंड, इसके अंदर आ जाएंगे वाटर बकेट। ये एकदम सही काम कर रहा है फ्रेंड्स। अब हम लीवर को बंद करके वॉल लगाएंगे और सबसे पहले यहाँ के ज़ॉम्बीज़ को मारना चाहिए एक स्वॉर्ड लेके। हम लेंगे नेदरराइट स्वॉर्ड, थोड़े से टॉर्चेस ले लेते हैं। निकल ज़ॉम्बी कहीं के, इधर भी एक और ज़ॉम्बी। क्रीपर को मार लेते हैं, यहाँ स्केलेटन भी है। स्केलेटन को मार दिया, टॉर्चेस लगा देते हैं। एक और क्रीपर को मार दिए, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है गेम। लैग करे तो माफ कर देना फ्रेंड्स, ये मेरे कंट्रोल में नहीं लैग करा तो। अब यहाँ एक भी मॉब नहीं बचा है, अब चलते हैं बाहर। अच्छा ऊपर गई थी, हाँ ये हो गया सही। अब हम वॉल लगाने कैसे तैयार है, अब हम वॉल ले लेते हैं फ्रेंड्स और फिर वॉल लगा देते हैं। तो अब वॉल लगाना स्टार्ट करते हैं ऊपर से, बस हम ये यहाँ के छोड़ के बाकी पूरे इसमें वॉल लगाने आ रहे हैं। हम वॉल इसलिए लगा रहे क्योंकि वीट ऊपर ना जाए और ना कोई मॉब इसके अंदर आ सके। अब दूसरे साइड भी ऐसी करने का है, चलते ऊपर। ये हमने फ्रेंड्स वॉल लगा लिए, वेदर थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये हो गया वेदर क्लियर, अब हम हो से अब खेत को कर लेते हैं। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे अभी। तो फ्रेंड्स ये करने के बाद हम मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने हो से खेत कर लिया है, अब हम सीड्स लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने सीड्स लगा चुके हैं, तो बस अब इनके बढ़ने की देरी है। इसको स्पीड में अभी क्लिक बढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स हमने क्लिक बढ़ा दिया, अभी थोड़ी देर में पूरी वीड्स बढ़ जाएंगी। और ये चेस हमने ऐसे लगाए हैं,
फिर तो फ्रेंड्स हमारी वीट बड़ी हो रही है, थोड़ी देर में पूरी बड़ी हो जाएंगी। तो हमारी पूरी वीट बड़ी हो चुकी है, अब हम यहाँ का गीजर हटा के टॉर्च अपना बटन लगा देते हैं पहले। अब यहाँ से वीट टिकाएंगी नीचे तक के, इस बटन को जैसी बंद कर देंगे। यहाँ की वीट कोई कारण है जिसे टूट नहीं पाई, इसको हम हमारे हाथ से तोड़ देते हैं। क्योंकि इसमें वाटर बकेट ठीक नहीं, इस वजह से नहीं टूट पाई है। इसके में वाटर बकेट डाल देते हैं पहले। अब एक और बार चालू करके फिर बंद कर देते हैं। चालू कर दी, चेस आधी भर गई होंगी। अभी चेस भरने के बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स हमारी चेस भर चुकी है, ये दिख रहा होगा आपको, पूरे स्टैक्स भर चुके हैं वीट के। हमारा फार्म अभी भी वीट इसमें ग्रो हो रही है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, रुको, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी नारा लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।